महानता यदि प्रचारित ना हो तो महानता को कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु यदि सुप्रचारित हो जाए तो अनेक व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं। महान गुरु को प्रचार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी वाणी कई सदपात्रों को सार्थक जीवन दे सकती है। गुरुदेव के वचनों का प्रचार भी गुरु सेवा का ही एक रूप है। प्रातः स्मरणीय पारदर्शी मुनि व्यास जी, विश्वामित्र जी एवं अन्य दत्तात्रेयादि योगीश्वरों, महर्षियों के समान परमहंस अवधूत शिरोमणि श्री गुप्तानंद जी महाराज, जो कि भक्तों के कल्याण हेतु मालव प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी के किनारे गुप्त रूप से विचरण करते रहे एवं वहीं पर समाधिस्थ हो गए। इसी परंपरा का निर्वाह किया समर्थ अवधूत श्री नित्यानंद जी महाराज ने, जो कि श्री गुप्तानंद महाराज के शिष्य हुए एवं जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में ही समाधिस्थ हुए। समय समय पर दोनों विभूतियों ने भक्तों के कल्याणार्थ ज्ञान का बोध कराने हेतु अपने उद्गारों को भजनों के रूप में एक तार में पिरोया।